पहला काम है शिक्षा को पंचायत में सुधार लो। शिक्षा सुधर गई तो पूरा समाज सुधर। जीत को लेकर मैं 101% आश्वस्त हूँ, चूँकि जनता चुनल लड़े, परमेश्वर यादव चुनल नहीं लड़ा, ये पूरी जनता चुनल पुत्र ग्रह हैं। पूर्व के लोग जबरदस्ती उसको कहते थे मेरे साथ शादी करो, घर जाकर के 12 बजे दिन में उसकी इज्जत आबरू माने तार तार हो गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं kositimes.com और मैं हूं रविकांत कुमार। पंचायत चुनाव की कवरेज के दौरान इस वक्त हम पहुंचे हैं मधेपुरा सदर प्रखंड के भेलवा पंचायत में। पंचायत चुनाव में कहा जाता है कि चाय की दुकान और मचान का काफ़ी महत्व रहता है। यहां से जो राजनीतिक रणनीति होती है वो तय होती है, और बताया जाता है कि गाँव के मचान से पंचायत के जो चुनाव होने हैं उसका हवा वहाँ से निकलता है। इस वक्त हम भेलवा में है और यहाँ मचान पर ही बैठे हुए हैं, और हमारे साथ जो बैठे हुए हैं रिटायर हेडमास्टर साहब हैं और इस बार पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो सर ये जानना चाहेंगे कि शिक्षाविद होने के साथ आप राजनीतिक में कैसे आगे, क्या मामला है सर? आपको पहले मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप पंचायत चुनाव में मेरे पंचायत मेरे घर तक आप पहुँचे मचान पर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और राजनीति का जहाँ तक सवाल है, मेरा परिवार आज़ादी के लड़ाई से दादाजी के टाइम से इस इलाके में, जब आज़ादी की लड़ाई में कोई मधेपुरा नहीं जाते थे अंग्रेज़ों के डर से, तो मेरे दादाजी और पिताजी साथ साथ आज़ादी की लड़ाई में जाते थे। अंग्रेज़ के जो सिपाही पकड़ने आते थे तो कई दिन इटाही और जीवतपुर के चर में, जिसको चर समझते होंगे आप लोग, वो जो कर्मी का लेद होता है उसके तले में रात रात भर गुजारते थे। तो राजनीति का सवाल मेरे रग रग में है, मेरे खून में बसा हुआ है, यह मेरा क्या कहते जन विरासत में है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। जब मैं शिक्षक था, मैं रिटायर नहीं किया था, तो मेरा भतीजा चंद्रशेखर जो प्रोफेसर भी विधायक पूर्व मंत्री बिहार सरकार है, मैंने उन्हें अपने आवास पर बुलाया, और मेरा एक भतीजा और था जसोधर, मैंने कहा जी हम लोग बहुत दिन से इसके पीछे लगे हैं लेकिन हम लोग नौकरी में हैं तो राजनीति में हम आ नहीं सकते हैं, तो तुम इसके लिए तैयार हो जा। पहले वो आनाकानी किए, फिर मेरी बात मान करके वो किसान आंदोलन शुरू किए थे, तो वो आज इस परिवार का, इस पंचायत का वो गौरव बन के उभरे हुए हैं। और राजनीति का सवाल ये दूसरा, ये हम लोग का तृतीय पक्ष, जब मेरा भतीजा दादाजी जब राजनीति करते थे तो वो तीसरी पीढ़ी के राजनीति की मैंने विरासत में इनको मिली है, यही राजनीति है। तो जिस तरह से आप कहते हैं कि विरासत में ही राजनीति का आपको मिली है, आपके परिवार सक्रिय हैं, हालांकि प्रोफेसर चंद्रशेखर बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, सदस्य कई बार विधायक रहे हैं। पंचायत का जो चुनाव होता है यह काफ़ी टफ माना जाता है। पंचायत के चुनाव एक तरह, जिस तरह से मौसम चिलचिलाती धूप है, ऐसे में प्रचार प्रसार कैसे चल रहा है, और जब आप लोगों के बीच जाते हैं तो क्या मुद्दा रहता है कि आप लोगों को, लोग आखिर आपको क्यों वोट दें? देखिए, मैं इस पंचायत में अपने से उम्मीदवार नहीं बना, यहाँ की जो जनता है भेलवा पंचायत की जनता हमको उम्मीदवार, मतदाता जनता ने हमको उम्मीदवार बनाया, हम अपने से उम्मीदवार नहीं बने। उसका मुख्य कारण है यहाँ सामाजिक समरसता का घोर अभाव हो गया, पूरा पंचायत अपराधीकरण हो गया, पूरे पंचायत का अपराधीकरण हो गया है। यहाँ बहु बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, यहाँ मूलतः जो है समस्या लोगों का शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, ये तीन चीज़ें पूरी तरह चरमरा गई है। करोड़ों रुपये आज 20 वर्षों से पंचायत में आया लेकिन उसमें लूट खसोट हुआ, उसका जो एक विधिवत काम होना चाहिए पंचायत के विकास में वो नहीं हो पाया है। आज स्थिति यह है जो राहजनी हमारी बेटी बहन जो है, ये प्लस टू स्कूल जो बहुत प्रयास से यहाँ बनवाया है, तो बहु बेटियों की इज्जत बिल्कुल असुरक्षा, कोई किसी का और नहीं पकड़ लेगा स्कूल के, किसी का फोटो खींच लेगा, उल्टे यहाँ पूर्व के जो मुखिया के पुत्र अगर हैं, पूर्व के लोग जबरदस्ती उसको कहते थे मेरे साथ शादी करो, घर जाकर के 12 बजे दिन में उसकी इज्जत आबरू माने तार तार हो गई है।
इस अपराधीकरण को मन नाश करने के लिए इस 74 वर्ष की अवस्था में हमको लोगों ने मुखिया को उम्मीदवार बनाया है। अपराधीकरण मुक्त होगा हमारे हमें मुझे मुखिया का चुनाव न मुखिया प्रत्याशी रूप में मुझे अगर जनता चुनती है तो मेरा सबसे पहला प्रयास होगा अपराधीकरण मुक्त होगा। और आप जो सड़क की बात करें, आप आए होंगे बगल में, काफ़ी जर्जर है सर। जर्जर है इस प्रकार, ये आप अभी आपको घुमाते गली में, यहाँ हमारे बगल में स्वर्णकार लोग हैं, आप जा नहीं सकिएगा यहाँ पैदा। ये हमारा वार्ड नंबर 7 में महादलित का टोला है, जिसको पहले हम लोग जो बोलते थे मूसा, उसके यहाँ गली गली में जा नहीं पाएगा। एक दिन बरसात में हम जा रहे थे, मैं वहाँ गली में गिरते बच गया, दूसरे लोगों ने बचा, और सारा पैसा वहाँ पैसा उठ गया उस वार्ड का। पैसा उठने के बाद भी काम रहे, सोलर लाइट का 19 लाख रुपया निकालेगा पंचायत, एक भी सोलर लाइट नहीं लगाया। कई रोड का पैसा उठा हुआ, अब काम नहीं हुआ। इसीलिए जनता ने सोचा जो हम किसी अच्छे आदमी को प्रत्याशी बनेंगे तो जनता पंचायत का काम होगा। लगातार आप कह रहे हैं कि आप जनता के द्वारा ही आपको कहा गया है मुखिया चुनाव लड़ने के लिए लड़ रहे हैं, तो जिस तरह से पंचायत में अन्य भी कैंडिडेट हैं जो अभी वर्तमान मुखिया हैं, वो शायद किसी गबन के आरोप में जेल में हैं, उनके भी समर्थक प्रचार कर रहे हैं और भी मुखिया हैं, तो इसमें क्या लगता है टक्कर किसकी किससे आपकी होगी, या फिर जीत को लेकर के आप कितने आश्वस्त हैं? जीत को लेकर मैं 101% आश्वस्त हूँ, क्योंकि जनता चुनाव लड़े, परमेश्वर यादव चुनाव नहीं लड़ रहा, ये पूरी जनता चुनाव लड़ रही है। तो यहाँ जीत का क्या कहते हैं, दूसरा प्रश्न नहीं होता। दूसरे उम्मीदवार जद्दोजहद कर रहे, हमारा किसी से कंटेस्ट नहीं है पंचायत चुनाव, किसी से कंटेस्ट नहीं है, क्योंकि पूर्व के जितने दो बार मुखिया रहे प्रत्याशी हैं, वो लोग केवल यही सब धंधा के पूरा पंचायत का पैसा गबन करके और पंचायत भवन में आग लगाने का भी काम किया था पहले के मुखिया, यही स्थिति है। इसलिए हमारा किसी से कोई कंटेस्ट नहीं है, हमारा रिजल्ट बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ता, क्योंकि जनता मेरे साथ है। मैं एक शिक्षक हूँ, 40 वर्षों तक मैंने पाठन का कार्य करवाया, 1969 से लेकर के 2009 तक मैंने शिक्षण कार्य किया, और जब मैं पद पर नहीं था तब मैंने भेलवा पंचायत को घैलार प्रखंड से जाने के लिए रोका और उसको मधेपुरा में रखा, थाना मधेपुरा में रखा। बगल के भवन वाले लोग हैं, एक इनका प्रखंड है घैलार, थाना घैलार, रतनपुरा का प्रखंड और थाना घैलार है, लेकिन मेरे सिंगल प्रयास से, चूँकि उस समय राजबिहारी उच्च विद्यालय में था और सारे जो झंडा वगैरह पदाधिकारी सब लोगों से मेरी अच्छी खासी क्या कहते हैं मित्रता या संबंध कहिए, और उसने मेरे प्रयास से थाना और ब्लॉक मधेपुरा में रखा। ये तो मैं जब पद पर नहीं था तब, ये यहाँ बठाई से लेकर के राधा विधायक थे। कुछ ऐसे काम बताइए जो पद पर आने के बाद कीजिएगा। पद पर आने पद के पहले की बात में घैलार मठाई से घैलार तक 13 वर्षों तक राधा MLA रहे, तो 13 वर्षों के कार्यकाल में मैंने अपने प्रयास से इसको रोड बनवाया मठाई से घैलार तक, राधाओं की देन है। रमैया साहब जो विकासपुर कलेक्टर थे, उनसे भी बहुत अच्छी मित्रता या संबंध कहे। दीवानी टोल से लक्ष्मीनिया तक मैंने रोड बनाया है, इसको ठेकेदारी नहीं किया, मैंने प्रयास उसको बनाया, मैं ठेकेदार नहीं हूँ, मैं बनवाए सोने, मैंने उसको लिखा पढ़ी करा करके उसको विधिवत काम करवाया, ये मेरे मंजूरी दिला। हाँ, पैक्स है, पंचायत भवन है, क्या कहते हैं ये मवेशी हॉस्पिटल है, और क्या बना, डॉक्टर रवि थे MP, तो उनसे पैसा दिलवा। इतने सारे आप किए कर्म गिना रहे हैं, मैं करने के बनने के बाद क्या कीजिए? बनने के बाद सबसे मेरा प्रयास है जो मैंने पहले कहा, सामाजिक पहले समरसता करेंगे, अपराधीकरण मुक्त करेंगे। अब मैं एक शिक्षक हूँ, जिस समाज में शिक्षा की दुर्दशा हो जाए वह समाज कभी आगे नहीं बढ़ा। पहला काम है शिक्षा को पंचायत में सुधारना, शिक्षा सुधर गई तो पूरा समाज सुधर जाएगा। अच्छा एक बात बताइए कि आप भी प्रत्याशी हैं, अभी कुछ लोग बता रहे थे, हम आ रहे थे तो रास्ते में, कि पूरा शराब का पूरा खेल चलता है चुनाव में। ये हमका शराब जो नीतीश कुमार की सरकार, जो माननीय मुख्यमंत्री है, उन्होंने शराबबंदी की घोषणा की, लेकिन
धरातल पर वह नहीं पाया। उसका एक कारण है, गांव के लोग उसको सहयोग नहीं किए या जो पद पर थे उसी शराब के बल पर ये लोग चुनाव भी लड़ते हैं, शराब जीतने के बाद उसी का जश्न मनाते हैं। मेरे जीतने के बाद शराब का कारोबार नहीं होगा, शराब जो बंदी लागू किया सरकार उसको अक्षरशः हम लागू करेंगे, शराब बंद हो और पूरे भैलवा पंचायत की सीमा में एक भी अपराधी आपको नजर नहीं आएगा मेरे मुखिया बने हो। यह हमको अब मन पूरे चुनौती के साथ कहता हूँ, जो अभी इतना जो घटना घट रही है एक भी क्रिमिनल नजर नहीं आएगा, ये मेरी प्राथमिकता, अमन चैन रहेगा पंचायत में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हम भैलवा पंचायत में थे और हमारे साथ यहाँ पर प्रत्याशी हैं इस बार परमेश्वरी यादव जी हैं, ये रिटायर्ड शिक्षक हैं और लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, तो देखना यह होगा कि जो वक्त आता है, इन्होंने जीत का 101% दावा किया है तो इनका दावा कितना सही उतर पाता है और इन्होंने जो वादा किया है कोसी टाइम्स के मार्फत जनता से कि जीतने के बाद ये इतने काम करेंगे वो कर पाते हैं या नहीं। इसी तरह से चुनावी सफ़र जारी रहेगा, तब तक देखते रहिए कोसी टाइम्स.com। फिलहाल रविकांत को दीजिए इजाज़त।